नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनु बाला। आज हम एक पनीर और हरी चटनी वाला सैंडविच बनाने जा रहे हैं। पनीर सैंडविच विद ग्रीन चटनी। उसके लिए हमें जो जो इंग्रीडियंट चाहिए, जे मैंने आटा ब्रेड ली है, हरी चटनी तैयार की है। हरी चटनी कैसे तैयार करनी है जे मैंने अपने वीडियो पहले पा रखी है, धनिया पुदीने की किस प्रकार से हमने तैयार करनी है, आप उसमें से देख लें। जे टमाटर के स्लाइसिस हैं, जे कुकम्बर के खीरे के स्लाइसिस हैं, ग्रीन चिलीज हैं, बारीक कटी हुई काली मिर्च है, और जो है मलाई, फ्रेश मलाई, पनीर है और प्याज के स्लाइसिस हैं। अब हम इसे तैयार करेंगे अपने सैंडविच। किस प्रकार से हमने तैयार करने हैं मैं आपको दो तैयार करके बताऊंगी, आप दूसरे उसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, अच्छी तरह से सारा कवर कर लें। ग्रीन चटनी लगा ली है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने पनीर के पीसेस। आप थोड़े ब्रीक ले लें, अगर आपको ब्रेड अमूल स्लाइसेस भी ले सकते हैं, अमूल चीज स्लाइसेस। इस प्रकार से हमने पनीर लगा दिया है, फिर हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। अच्छी तरह से ग्रीन चटनी लगा दें, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे एक स्लाइस अपना टमाटर का, खीरे का और प्याज का, और इसके ऊपर लगाएंगे हम नमक सैलेड जो हमने लगाया है, थोड़ी ग्रीन चिलीज, काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये रहा चंकी चाट मसाला। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा स्लाइस इसे कवर करने के लिए, ऐसे कवर कर देंगे, फिर हम अपने सैंडविच में इसे सेक लेंगे। मैं इस प्रकार दूसरा भी तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सेक के कि कैसे आप ग्रिल भी कर सकती हैं और इसे सैंडविच में से। अपने ब्रेड स्लाइसिस को तैयार कर लिया है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी मलाई, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। जब छोटे थे तब भी टिफ़िन में ले जाते थे स्कूल, और अब भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि जो मलाई है वो मेल्ट होकर एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। मैंने जो अपना सैंडविच मेकर है उसे पहले ही प्री हीटेड कर लिया है। मलाई आप अपने टेस्ट के, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, वैसे ज़्यादा लगाने से ये काफ़ी अच्छा बनता है। अगर कम पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो कम लगाएं, बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही। अब दूसरे से इसे हम कवर कर देंगे इस प्रकार से, दूसरे स्लाइस से। और हमारा ये गर्म है, इसे मैंने थोड़ा ग्रीस भी कर लिया है ऑयल से, वैसे ये नॉन स्टिक है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे हमारे टोस्टर ने भी सिग्नल दे दिया है, इट मीन ये तैयार है। अब हम एक मिनट बाद इसे खोल लेंगे। थोड़ा ये अगर ऐसा होता है कि कुछ सेकेंड रुक कर खोलते हैं तो अच्छी तरह वो सेट हो जाता है और निकालना आसान हो जाता है। हमारे जो सैंडविच है ग्रीन चटनी विद पनीर बिल्कुल बनकर रेडी है, क्योंकि हमने ऊपर से ही देख लिया था, इसने रेड सिग्नल दे दिया है, रेड लाइट ऑन हो गई है। अब हम धीरे से इसे निकाल लेंगे। हमारे जो सैंडविच है वो बिल्कुल बनकर रेडी है, मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से बनी है।
देखिए इस प्रकार से दे हमारे सैंडविच बन गए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सैलेड के साथ सर्व करेंगे हरा धनिया, ये हमारे पनीर सैंडविच विद ग्रीन चटनी बनकर रेडी है। आप इसे ग्रीन चटनी सॉस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे सैलेड इसके साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, गाजर कैबेज, और ये खाने में बेहद लाजवाब है, न्यूट्रिशियस तो ही है, पनीर है, हरी चटनी है और विद सैलेड हमने किया है सर्व। आप इसे बनाइए खाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए प्लीज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।